बीजेपी की सरकार आ जाएगी। मायावती कहती है अगर हमें वोट नहीं था तो बीजेपी, ये डरा डरा के दलित और मुस्लिम लोगों का वोट लेते हैं, खराब कर रहे हैं। नहीं, वोट खराब नहीं होगा, ये ईमानदार सरकार को हम वोट देंगे। हमारे लिए तो सारे एक हैं, क्योंकि हर आदमी ये कहता है अगर हमें वोट नहीं था तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी को हुआ बना के हमें डरा कर हमसे वोट लिया जाता है, हम अब एक इनके बहकावे में आने वाले नहीं। तो कह रहे हैं कि भाजपा को हराना है, भाजपा तो हारेगी और अखिलेश भी हारेगा, सारी पार्टियां हारेंगी, ओबीसी आगे जाएगा। क्योंकि अब अपना पेट भरते हैं, अपना घर भरते हैं। योगी जी से ज्यादा देशभक्त हैं आप? हम बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, हमेशा से देशभक्त हैं। देश के बस है, हिंदू मुस्लिम में नहीं है हम। मुगल राज लाना चाह रहे हैं आप? मुगल राज कैसे आएगा? ये मुगल राज नहीं है, ये देश सबका देश है। ये लोग जो लोग ये सोच रखते हैं, जो ये लोग ये सोच रखते हैं ना, वो देश के आदमी नहीं है, वो देश का गद्दार है एकदम। जो बंदे ये सोच रखते हैं इस तरीके की, हाँ और सुनो, इसी हाथ कमाए लोगों की राख, सुनो लोगों की राख गंगा गंदा में बहती है और हमारी मिट्टी इसी धरती में मिटती है। हाँ, हमारे देश जैसा आदमी जो आप कहते हैं, अरे बताइए, अगर लोग कहते हैं ओवैसी जी बीजेपी के आदमी है, फलाने के आदमी है, तो क्या कामा जी को टिकट देते? कामा जी एक गरीब आदमी जिस बेचारे का घर मकान भी इसी चालक में नहीं है, और एक पंडित घराने से है, एक पंडित घराने से गरीब होता है। सवाल वही तो, नेता गरीब नहीं होता, मगर हम नेता नहीं है, हमारा काम है समाज, संविधान को आगे करना, संविधान को लागू। 22 साल समाजवादी में रहे, गरीब कैसे रह गए बताइए? आज उनका मकान बना नहीं है समाजवादी में, लेकिन उनको कोई भी सम्मान नहीं दिया गया समाजवादी के अंदर, उनको कोई भी सम्मान नहीं दिया गया, ना ही उनकी कोई इज्जत करी गई। समाजवादी को छोड़ करके एमआईएम पार्टी का पल्ला उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि उसमें उनको इज्जत मिल रही है, उन्हें उनको सम्मान मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम बस कोई, अगर हिंदू मुस्लिम होता तो हमारे गामा जी नहीं आते। अगर हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा कोई भी संबंध होता तो हमारे गामा जी, हमारे पंडित जी इस पार्टी में बिल्कुल भी नहीं आते। भड़काऊ भाषण नहीं, कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं है। सारे दलितों को, सारे आदिवासियों को, सारे अल्पसंख्यकों, सारे समुदाय को एक साथ लेकर के चलते हैं। हमेशा ओवैसी जी जहाँ बोलते हैं सच बोलते हैं, तो सारी पार्टी कहते हैं ये बीजेपी का आदमी है, ये वोट काटने आया। बल्कि हमें समझाना चाहता है कि मुसलमानों, ये दलितों, अब भी सुधर जाओ, ये कौम हमको डराकर हमारा वोट लेकर हम पर राज कर रही है। ये 3% लोग 85% लोगों को पर हुकूमत कर रही है, हमारा बेवकूफ़ बनाकर। अब हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं, पार्टी का गठबंधन में क्या ओवैसी साहब से अभी कोई आप में स्ट्रांग पार्टी है, इसलिए कोई पार्टी इसमें, सब पार्टियां डरती हैं, इसलिए कोई भी पार्टी सब कोई गठबंधन नहीं कर रही है। हम शेर पार्टी है, वोट साइकिल पे तो होगा ना? नहीं, पतंग पे होगी, पूरी पतंग पे पतंग लहराएगी पूरे हिंदुस्तान में आने वाले आने। नहीं बिल्कुल पता होगा, 70 साल बर्बाद करते आ रहे, 70 साल से अब बर्बाद नहीं करनी। मोदी साहब अगर मुसलमानों की करते तो वो मंदिर भी तो, मस्जिद भी तो बन सकती थी। मंदिर क्यों बनवाया, कहाँ बनवाया बताओ? उन्होंने कहीं नहीं बना बड़े भाई, कहीं नहीं बना मंदिर मस्जिद। मैं इतने से इतना बड़ा हो गया, मैंने आज तक हिंदू मुसलमान की बात नहीं की है। आजकल जब से बीजेपी आई है जब से करनी पड़ रही है, क्योंकि मुसलमानों का कहीं हक नहीं है, हर चीज मारते हैं बताओ, हर चीज मारते हैं। अगर वो मुसलमानों की बात करते सबका बनवाते भाई, तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। खाली पड़ी गुड़गांव में जाके देखो, बीजेपी सरकार है वहाँ, मुसलमानों पर आतंक हो रहा है, नमाज नहीं पढ़नी दे रही जा रही। बताओ 5 मिनट की नमाज होती है जुम्मे वाले दिन, क्या दिक्कत है बताओ? हमें भाई जान एक बात बताओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू अपना हमारे घर में आके पूजा करें, पाठ करें, हम देंगे जगह। ये क्यों नहीं देते? क्या ये आतंकी है बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, बताओ क्या दिक्कत है इन्हें? 5 मिनट की नमाज से क्या दिक्कत है बताओ? मस्जिद में पूजा करवाओ क्या? मस्जिद में करवाते पूजा बताओ, घर में करवाएंगे हम अपने दिल में करवाएंगे। और बताओ घर के दरवाजे तो वो भी खोलने आपके, कहाँ खोलने भगा रहे बताओ? कोई नहीं खोल रहा मेरे, उसमें देख लो नेट में कितनी वीडियो दिखा सकता हूँ मैं आपको। तो आपको मस्जिद चाहिए, स्कूल चाहिए? हमें मस्जिद भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, सब चीज चाहिए हमें देखो गुरुद्वारा सब चीज चाहिए हमें। ये नहीं चाहिए कि मुसलमानों को खत्म करना है, मुसलमानों को कोई खत्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं चाहिए? स्कूल तो हम भैया पढ़ लिए पहले ही, बच्चे पढ़ने वाले हम तो पढ़ लिए बड़े भाई, पढ़े लिखे हम तो, जब इंडिया में रह रहे
बन नहीं, अब से पहले निकाल दिए जाते। पढ़ा लिखा स्कूल की जरूरत नहीं होती है, पढ़े लिखे बड़े भाई काहे की स्कूल की जरूरत, कमाना खाना हमें तो बताओ, बताओ क्या करें, राज पढ़ा लिखे तो बिकते भी तो पड़े। राजनीति में सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए, लेकिन मंदिर और मस्जिद तोड़वाने की बात होनी चाहिए। ये तो चाहिए तो है ही। अरे मसला सबसे ज्यादा इस चीज में हो रहा है ना, जब बीजेपी का मसला ये है, बीजेपी का मसला यही है। मुझे नहीं आता, मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता हूँ, बाकी किसी दरिंदों के आगे झुकना मुझे नहीं आता, मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता हूँ। बीजेपी सरकार जो है ना सिर्फ जातिवाद फैलाती है लोगों के अंदर। जी बिल्कुल, जुमलेबाज सरकार है। कैसे बोल कह रहे, सब धर्म को एक साथ लेके चल रहे, कोई धर्म साथ में लेके चलते नहीं है लोग, अगर साथ लेके चलते ना तो इतना भेदभाव होते ही नहीं। बिल्कुल जी, कहाँ हो रहा है हर जगह भेदभाव हो रहा है, हर जगह यूपी के अंदर लोगों में अनाज हो रहा है, मतलब पूरा खाने का लाला पड़ रहा है, काम धंधे लोगों में नहीं, क्या करेगी जनता, क्या करेगी, खाते खुलवा रहे लोगों के, खवाने के लिए है नहीं कुछ, क्या करेगा बंदा। आत्मनिर्भर बनो ना, आत्मनिर्भर कैसे निर्भर बने जब अपना काम ही ना होगा, तो जब काम ही ना होगा तो आत्मनिर्भर कैसे बन जाएगा बंदा, बताओ आप। ओवैसी साहब क्या भला कर देंगे हमें? ओवैसी साहब आए हैं, देखते हैं अब क्या करते हैं, उन्हीं के साथ हम सपोर्ट दे देंगे। और क्या नई पार्टी है, उसे चांस मिलना चाहिए, ये सोच के नई पार्टी है। बहुत टाइम हो गया यार, मेहनत करते करते पार्टी है, नई पार्टी है, ये तो अभी आई रॉबर्ट, तो ये तो हमारी अपनी पार्टी होगी बिल्कुल खुली खुली। अपनी कैसे होगी, अपनी कैसे होगी, क्या मुसलमान की कोई नहीं, मुसलमान की तो कोई सुनवाई नहीं, किसी पार्टी में सुनवाई यही नहीं, मजलिस एक पार्टी बताओ जो सुन रही हो। हम कहेंगे मुसलमान की पार्टी तो कहेंगे नहीं मुसलमान की है, और क्या अभी आप खुद कह रहे हैं, फिलहाल हमारे लिए तो है नहीं है, पहली पार्टी तो सबकी है वो, पहले आप दोनों पार्टी सबकी है, उसमें भाई पार्टी सभी भी नहीं था, हर किसी का होता, जितना हिंदुस्तान है जो भी आवाम खड़ी है, अगर मैं यहाँ बन गया इसने वोट नहीं दिया तो मैं इसका भी नेता हूँ, क्योंकि मुझे इसका भी ख्याल रखना है। आइंदा आने वाले टाइम में बंदा ये ना कहे कि इसने मेरे लिए तो करा नहीं, अगर मैं वोट देता तो करता, यानी नेता सबका होना चाहिए, हमारे ओवैसी साहब हो या अखिलेश की सरकार कहीं भी आए या किसी की, लेकिन यहाँ से जो MIM की सीट निकल रही है वो पक्की सीट निकल रही है, यहाँ से कोई दखल अंदाजी नहीं है, ना कोई मुदाखलत है, ना जितना भी एरिया, आप कैमरा घुमाइए अभी, लाखों के हिसाब से जो पब्लिक थी इस सपोर्टर ही तो है। सवाल ये था कि ओवैसी साहब के साथ जाने का क्या मतलब है, क्या अच्छा दिखा ओवैसी साहब के जाने का मतलब, सिर्फ इसलिए कि हमारी पार्टी है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ये भाई, थोड़ा सा नर्वस आ गए, ऐसा नहीं है, मसला ये है ओवैसी साहब की जो पार्टी है मजलिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, वो पार्टी एक नाम रखा हुआ लेकिन सबको लेके चलती है पार्टी, उसमें कोई हिंदू, अब ये गामा जो है मोहन, ये कोई कैंडिडेट मुसलमान थोड़ी है, है भाई पंडित है, इसको टिकट दिया है, अगर चाहते के मुसलमान को टिकट देना तो मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, और भी मुसलमान है, लेकिन जितने भी उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए, हिंदू लोग जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि सभी हिंदू और मुसलमान सब एक साथ चलें, यहाँ के भी मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है भाई, मेरी आवाज़ जिस जहाँ तक आवाम तक आप लेके जाओगे इस न्यूज़ के जरिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ के शहीद नगर और जितने भी इस विधानसभा में एरिया आते हैं, सभी से मेरी गुजारिश है कि सभी वोट MIM को करें, क्योंकि जब पल्ला भारी होता है तो उसको वोट खराब निकलने चाहिए।